नमस्कार दोस्तों, मैं महेश प्रजापति। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, जो लोग सीख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यह आई स्मार्ट जो देख रहे हैं, स्प्लेंडर आई स्मार्ट बाइक है। और दोस्तों, इसमें क्या होता है कि गियर लगाने में बहुत टाइट लगता है और गियर न्यूट्रल करने में भी न्यूट्रल जल्दी नहीं होता है, गियर फंस जाता है, बहुत जो है टाइट लगता है। तो दोस्तों, इस संबंध में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जो लोग सीख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ऐसा प्रॉब्लम काहे होता है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जो है क्लच पल्ला को खोल रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे जो है खोल करके पहले से रख लिया है कि ताकि आपको दोस्तों वीडियो जो है शॉर्ट छोटा वीडियो बने और जो है कि ज़्यादा देर का वीडियो ना बने। इसीलिए हमने जो है पल्ला क्लच पल्ला को खोल करके सब क्लच हाउसिंग वगैरह को खोल करके जो दोस्तों हम निकाल लिए हैं। तो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं यह गियर स्टार है, तारे की तरह देख रहे हैं, स्टार की तरह। तो दोस्तों, यही जो है आपको जो देख रहे हैं यहाँ से गियर लगना स्टार्ट होता है। जब दोस्तों तो दोस्तों इसमें क्या है कि जब इसके इस चेंजर को जब हम घसकाते हैं तो गियर लगता है। तो दोस्तों, अगर आसानी से आपको गियर जो है लगाने में जो 10 नंबर जो बोल्ट देख रहे हैं, इससे हम जो घुमा कर लगा रहे हैं, ऐसे अगर लग रहा है तो अंदर से ठीक है। क्या होता है दोस्तों कि जो आप गियर जो इसको देख रहे हैं आप गियर स्टॉपर को, तो दोस्तों यह गियर स्टॉपर जो है उतर जाता है, स्टॉपर जो है यह इसका उतर जाता है। इसको दोस्तों ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, गियर स्टॉपर भी बोल सकते हैं, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका जो है यही जो है उतर जाता है। गियर चेंज करते समय जब झटका पड़ता है तो यह फेंक देता है, कभी कभी लूज हो जाने के कारण भी या बाहर की तरफ फेंक देता है। जो एल की बोल्ट देख रहे हैं या जो यह कभी कभी लूज भी हो जाता है, जैसे देख रहे हैं या कभी कभी लूज भी हो जाता है तो ये भी बाहर फेंक देता है। जब बाहर फेंक देता है तो आपको गियर लगाने में और गियर न्यूट्रल करने में बहुत दिक्कत होता है। तो गियर जो है कि दोस्तों आप इसको इससे भी चेक कर सकते हैं आप, अगर यह फ्री दम लग रहा है तो अगर फेंक दिया बाहर की तरफ में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसी तरह से जो है बाहर की तरफ फेंकेगा, कभी यह जो है कि ऐसे जो है कि फेंक देगा। गियर स्टॉपर जो है दोस्तों, गियर स्टॉपर बाहर की तरफ जब फेंक देता है तो आपको जो है गियर लगाने में और गियर न्यूट्रल करने में बहुत दोस्तों परेशानी होती है। तो इस संबंध में दोस्तों, जब गियर आपका टाइट लग रहा है और गियर जो है कि न्यूट्रल करने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्लच पल्ला को ज़रूर खोलें दोस्तों, या आपका डिलक्स सीडी डिलक्स स्प्लेंडर आई स्मार्ट स्प्लेंडर प्रो और अभी का जो BS6V गाड़ी जो निकला है स्प्लेंडर, उस सब में भी दोस्तों अगर प्रॉब्लम ऐसा हो गियर लगाने में तो आप ज़रूर इसको खोल करके आप चेक करें। गियर अगर टाइट हो रहा है तो इसको, अगर यह उतरा हुआ है तो दोस्तों इसको चेंज कर दें, इसको टाइट ना करें। अगर लूज भी हो गया है तो टाइट ना करें, इसे चेंज कर दें। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो या जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें, दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें।